अभी 30 साल की शादीशुदा महिला हूँ। मेरी लंबाई 5 फीट 7 इंच। मैंने पढ़ाई में बीकॉम किया है। मेरी शादी 10 साल हो चुके हैं। मेरे घर में मैं, मेरा पति और 6 साल की बच्चा है। मेरे पति एक प्राइवेट संस्था में कार्य करते हैं। दिखने में काफी खूबसूरत है, मगर मेरे पति देखने में खूब सुंदर नहीं है। मतलब मैं दिखने में खूबसूरत हूँ, मगर मेरे पति नहीं है। मेरे पैर में बचपन से ही दिक्कत थी, जिससे मैं थोड़ा लंगड़ा के चलती। इसी के कारण घर वालों ने मेरी शादी जल्दी और सामान्य परिवार में ही करवा दिया था। दोस्तों, मेरे पति शादी के समय तो बहुत सही थे, मुझसे प्यार भी करते थे, मगर देख, कहते हैं ना, भूखे को खाना कहीं से मिले वो वहीं चला जाता है। मतलब अब मेरे पति प्यार नहीं करते तो मुझे अपना प्यार किसी और पे ढूंढना होता है। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, मगर ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी थी, मेरे पति मुझसे प्यार ही नहीं करते और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। ये बात शुरू होती है मेरी शादी के 2 साल बाद, जब हम नए नए गांव से शहर आए थे। पति की एक कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी, तो मुझे लेकर शहर आ गए। अब यहाँ मैं और मेरे पति रहते थे। कंपनी की तरफ से एक अच्छा सा कमरा मिला था। अब यहाँ देखने में मुझे कुछ आजादी भी मिली थी। यहाँ आकर दिन भर पति काम पर होते और घर पे मैं अकेली, बस दिन ऐसे ही कट रहे थे। फिर एक दिन मेरी जिंदगी ने करवट ली। मेरे पति ने शाम को घर आकर बताया कि कल कंपनी के मैनेजर घर आ रहे हैं, खाना खाने, कुछ अच्छा सा बना देना। अगले दिन मैं सुबह से ही शाम के खाना बनाने की तैयारी में लग गई। घर की अच्छे से सफाई भी की और खाने की पूरी तैयारी कर ली। शाम के 5 बजे पति घर आए, मेरा काम देखकर काफी खुश हुए। वो अपने साथ एक शराब की बोतल भी ले आए थे। मैं समझ गई इनका पीने का भी कार्यक्रम है, वैसे भी इनको पीने की आदत थी। मैंने उनसे पूछा, मैनेजर कब आएंगे? तो उन्होंने कहा, 7 बजे आएंगे, तुम भी अच्छे से तैयार रहना, घर के कपड़ों में मत रहना। मैंने ठीक है बोलकर अपने काम में लग गई। शाम 6 बजे मैं तैयार होकर एक गुलाबी रंग की हल्की सी साड़ी पहनी, इस पर काले रंग की ब्लाउज। मैं उस दिन काफी अच्छी लग रही थी। पक्का पक्की 7 बज रहा था, दरवाजा की घंटी बजी। उस वक्त पति, मतलब मेरे पति वॉशरूम में थे, तो मैं तुरंत गई और दरवाजा खोली। सामने देखा तो 40-45 साल के एक लंबा चौड़ा पंजाबी आदमी था। उसने मेरे पति को पूछा तो मैं बोली, घर पर ही है, आप आइए, और उसको अंदर बुला दी। कुछ ही देर में मेरे पति भी आ गए। उन्होंने मेरा परिचय उनसे करवाया। उनका नाम सुखविदर था। उसके बाद मैं अंदर चली गई। हम दोनों बातें करने लगे। मैं अंदर खाना बनाने लगी। मैं अंदर खाना बना रही थी, वहां रसोई से सुखविदार मुझे साफ साफ दिख रहे थे। वो भी मुझे देख पा रहे थे। मैं अपने काम में लगी थी। कुछ देर बाद मेरे पति आए और 2 ग्लास और सोडा की बोतल और काजू लेकर चले गए। इधर मैं खाना बना रही थी, उधर वो दोनों शराब पीने में व्यस्त थे। सुखविदार बार बार मुझे देख रहे थे, कई बार मुझे देखकर मुस्कुरा भी देते, तो मैं भी मुस्कुरा कर उनका अभिवादन कर देती। मगर उनके पति कुछ गलत मेरे मन में नहीं था। वो मुझसे काफी एजेड थे। उस वक्त मैं 22 साल की थी। करीब 40 मिनट बाद उन दोनों ने शराब खत्म की तो मैंने खाना लगाया। वो दोनों खाना खाने लगे, मगर सुखविदार मुझे ही साथ खाने को कहने लगे। मैंने मेरे अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने भी कह दिया, तुम भी खा लो यही हमारे साथ। मैं भी अपना खाना ले आई और साथ बैठे खाना खाने लगे।
सुबेदार मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे, साथ में मेरे पति बोल रहे थे को, मतलब मेरे पति को बोल रहे थे, तुम्हारी वाइफ ही बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मुझे बोले तुम जितनी सुंदर हो उतना ही अच्छा खाना बनाती हो। अपना तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे भी किसको अपनी तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगता है, सबको लगता है। उन दोनों को शराब का नशा चढ़ चुका था। मेरे पति अब खाना खत्म करके हाथ धोकर सामने वाले कमरे में चले गए। मैं बस उनका साथ दे रही थी, वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मैंने गौर किया, वो मुझे देख रहे थे, मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मैं अपने आप को सही की। कुछ देर बाद हम दोनों ने खाना खत्म किया और वहां से उठकर हाथ धोने चले गए। मैं उनको रास्ता दिखाते हुए आगे चली गई। मैं समझ गई कि वो क्या कर रहे थे। बाथरूम उधर वो हाथ धोकर वापस आए, मैंने भी अपना हाथ साफ किया और बाहर आ गई। हम दोनों बाहर कमरे में गए तो मेरे पति सो चुके थे। मैं उनको उठाने लगी तो सुबेदार ने मना कर दिया और बोले कोई बात नहीं, रहने दो, इसको सोने दो, मैं अब चलता हूँ, और वो दरवाजे की तरफ चल दिए। जैसे ही दरवाजा खुला हमने देखा बाहर बारिश हो रही थी। दोनों ने कहा कुछ देर रुकना ही सही होगा, नहीं तो भीग जाऊंगा। अब हम दोनों वहीं पर बाहर वाले कमरे में बैठकर बात करने लगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पति काफी किस्मत वाले हैं, तुम जैसी वाइफ ही मिली है, काश तुम मेरी बीवी होती। मैंने तुरंत कहा क्या, वही जो तुमने सुना। इतना में मैं शर्म आ गई और नीचे नजरें झुका ली। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? वो भले नशे में थे मगर मेरे शर्म का भाव के मेरे पास आए और बोले बिल्कुल सही कहा, तुम अगर मेरी वाइफ ही होती तो बात ही कुछ और होती, क्या मैं और तुम दोस्त बन सकते हैं? उसके इस सवाल का मैंने कोई जवाब नहीं दे पाए। वो फिर पूछने लगे बताओ क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? मैं उनकी तरफ देखा और हाँ मैं अपना सिर हिला दी। वो काफी खुश हुए और बोले धन्यवाद मुस्कान, और फिर हम दोनों ना फोन नंबर आदान प्रदान हुए। मेरे पति इन सब बातों से अनजान सो रहे थे। कुछ देर बाद बारिश बंद हुई और चले गए। अगले दिन जब भी मेरे पति घर पर नहीं होते तो उनका फोन आने लगा। हम दोनों काफी देर तक बातें होती रहती। धीरे धीरे हम दोनों खुल गए और हम दोनों बातें ज्यादा करने लगे। अब उनको फोन का इंतजार मुझे भी होता, अब वो मुझे अच्छे लगने लगे। ऐसे ही 2-3 महीना बीत गया। फिर मेरे पति ने घर आकर बताया कि उनका प्रमोशन हो गया। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन सुबेदार का फोन आया तो पता चला उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने उनको धन्यवाद दिया। मेरे पति के प्रमोशन होने के बाद अब वो शहर से बाहर भी जाने लगे कंपनी के काम से। मेरी और उनके मैनेजर की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। अब तो मेरे पति के ना रहने पर वो घर भी आ जाते, मगर हम दोनों में कभी कुछ गलत नहीं था। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया मुझे 5 दिनों के लिए बाहर जाना होगा, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी, अगर चाहो तो तुम भी अपने मायके चली जाओ। मगर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। 2 दिन बाद मेरे पति चले गए। सुबह 10 बजे सुबेदार का फोन आया। उनको पता था मेरे पति जाने वाले हैं। हम दोनों की बात शुरू हुई, उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। वैसे तो वो घर आते थे मगर उस दिन मेरे मन में कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ अलग होने वाला है। वो ठीक 7 बजे घर आए। उस दिन मैं लाल रंग की साड़ी पहनी थी, उनके हाथ में एक बैग था। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मैं अपने घर में बोल के आया हूँ कि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और ऑफिस से भी छुट्टी ले ली हूँ, मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताना है, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ?
ऐसा सुन के मैं दंग हो गई। मैं तुरंत बोली, अगर किसी को पता लगा तो बहुत बुरा हो सकता है, ऐसा मत कीजिए। तो वो समझाते हुए बोले, एक भी चिंता की बात नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। फिर कुछ देर हम दोनों ने वही सामने रूम में बात करी और फिर मैं खाना बनाने चली गई और वो टीवी देखने लगी। खाना बनाते हुए बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था, ये मुझे मुझसे क्या चाहते हैं, कहीं इनका इरादा कुछ और तो नहीं है, और यही सब मेरे मन में चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये कहानी बहुत ही बड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी के सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि जब सुखविदार घर पर रुके तो क्या हुआ। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कल। ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।